अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हफीज़ रहमान, पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से हाजिर है। आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, हमारे दोस्त बने, कमेंट्स करें, और सबसे अहम बात ये कि हमें टॉपिक्स दें जिन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, एक बात। और दूसरी बात ये कि आप सवाल करें हमारी जमात के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, हमारे मंशूर के बारे में, हमारे पार्टी के फ़लसफे के बारे में सवाल करें और हमसे क्वेश्चन करें। और फिर हो सकता है, मुमकिन है कि हम हर सवाल का जवाब ना दे सकें, तो फिर हम आपसे जवाब मांगें कि आपका क्या जवाब है, आप हमारी कैसे रहनुमाई कर सकते हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को की जमात को बल्ला फिर उनसे वापस ले लिया, बल्ले का निशान। और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो थे तो हमारे काबिल एहतराम वकील जनाब लतीफ़ खोसा साहब भी पेश हुए, वहाँ पे भी हेयरिंग थी, सुप्रीम कोर्ट में भी हेयरिंग थी इस हवाले से कि जो उम्मीदवार हैं और जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उस हवाले से बात हुई। देखिए, हमारा मशवरा क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को, अगर तो हालात बेहतर हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन तक तो इंतज़ार करना है, अगर इनको बला मिल जाता है और इनकी जो सुनवाई हो जाती है मुख्तलिफ उम्मीदवारों के हवाले से और ये स्मूथली इलेक्शन में चले जाते हैं, तो ये तो बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, फ़र्ज़ करते हैं, हम एक सफ़र्ज़ करते हैं कि बल्ले का निशान भी नहीं मिलता, हम ये भी फ़र्ज़ करते हैं कि जो उम्मीदवार इनके अहम उम्मीदवार हैं उनकी जो कागजात नामजद किए वो मुस्तरद हो गए और वो बहाल नहीं होते, तो फिर ऐसे इलेक्शन में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को एक आखिरी इनिंग खेलनी चाहिए, द लास्ट इनिंग फॉर पाकिस्तान। If he really wants to be a sincere leader of Pakistan in Pakistan's history, then he should play a last inning of his life. बैठें, पाँच साल, इनके पास पाँच साल का वक्त होगा अगले इलेक्शन तक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पोलिटिकल पार्टी बनाए, एक इदारा जाती जमात बनाए, और इम्पॉसिबल डिसीजन्स लें और इम्पॉसिबल डिसीजंस कौम के आगे रखें। ऐसा डिसीजन जिसके बारे में इनको 100% यकीन हो कि यह पाकिस्तान के मुफाद में है, यह बात चाहे आवाम उसकी मुखालिफ हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट उसके मुखालिफ हो, चाहे दुनिया की सारी ताकत उसके खिलाफ हो, लेकिन अगर यह समझते हैं तो फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, इफ ही बिलीव्स इन इट, कि दिस डिसीजन will bring prosperity to the Pakistan, will bring development to the Pakistan, and will bring leadership to the Pakistan, तो उन फैसलों को आवाम के सामने रखें। मेरा हमेशा से ये मानना है और मैं ये कहता हूँ कि नामुमकिन अजीम कौमें नामुमकिन फैसले करती हैं। जब सारी दुनिया ये कह रही होती है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उस वक्त कौम खड़ी हो जाती कि नहीं हम ये करके दिखाएंगे। तो मेरा इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मशवरा है कि ये ज़िद लगानी, जब हालात आपके हाथ में ही नहीं है, पार्टी टूट फूट चुकी है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है पार्टी का, मायूसी ही मायूसी है, तो इस लम्हे ये कहें कि बस मैं इलेक्शन नहीं, हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, और हम अपनी पार्टी को उसको कोई नेगेटिव तरीके से ना पेश करें, कहें कि बस ठीक है हालात हमें फेवर नहीं कर रहे, तो हम अब अपनी पार्टी को एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक इदारा जाती जमात बनाने चलें, एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने चलें, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करने चले हैं, अब कारकन को हम पावरफुल करेंगे, अपने पार्लियामेंटेरियंस को हम अपनी पार्टी के सामने जवाबदेह बनाएंगे, हम अपनी हुकूमत को अपनी पार्टी के सामने जवाबदेह बनाएंगे, अपनी गवर्नेंस पे हमारा चेक होगा और हमारा पार्टी और गवर्नमेंट में जो लोग होंगे वो अलहदा होंगे ताकि वो पार्टी उन पर चेक रख सके, हम ये बताएंगे कि पार्टी जो है वो अपनी गवर्नेंस को कैसे कंट्रोल करती है, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर काम नहीं करेगा तो पार्टी इसको तब्दील कर देगी,
अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस काम नहीं करेंगे तो पार्टीज़ को तब्दील कर देगी, अगर हमारे वज़रा काम नहीं करेंगे तो पार्टीज़ को तब्दील कर देगी। पार्टी जो होगी वो अवाम के वोट की ज़मीन होगी। देखिए एक पार्टी जो होती है ना, पार्टी जाती है आवाम से वोट लेने ना, चीफ मिनिस्टर तो आवाम से वोट लेने नहीं जाते जो पार्टी के होते हैं, वो वज़रा तो नहीं जाते, वो तो पार्टियाँ छोड़ के चले जाते हैं, वज़ीर आज़म तो नहीं जाता, पार्टी जाती है। तो जब पार्टी आवाम से वोट मांगने जाती है तो पार्टी आवाम के वोट की ज़मीन भी बनती है कि अगर हमारी हुकूमत ठीक ना हुई तो हम जिम्मेदार होंगे। इसे कहते हैं ज़मानत, इसे कहते हैं पार्टी का ज़मीन बनना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने आप को रेवोल्यूशनराइज करना होगा, जदीद दौर की एक आने वाले दौर की पार्टी, मुस्तकबिल के पाकिस्तान को बनाने वाली पार्टी बनना होगा। आज के लिए हमारा तो इनको यही मशवरा है और यही पैगाम है, और हम चाहते हैं, हम हर पाकिस्तान की हर पार्टी के लिए, हम पाकिस्तान के लिए चाहते हैं सब कुछ, जो पार्टी भी आए, हमारी पार्टी आए, पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए, PMLN आए, पीपल्स पार्टी आए, अपने आप को बेहतर करके आए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग, अजीम लोग क्या क्या काम करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जर्मनी के आइन में बाकायदा ये अमेंडमेंट है, ये शिक है, ये क्लास है कि वो अपनी जो आने वाली जो राइजिंग पार्टियां होती हैं, जो उभरने वाली सियासी जमातें होती हैं, उनकी वो फंडिंग करते हैं। है ना, बड़ी हैरत की बात आपके लिए। हमारे यहाँ तो अपोजिशन ले लेते हैं ना कि ये तो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है तो इसको कुछ लो, नहीं वैसा नहीं सोचते, वो कहते हैं कि ये नई पार्टियाँ बन रही हैं, ये हो सकता है ये हमारे जर्मनी को और भी हमसे बेहतर कर लें। पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोच के साथ माशरे तामीर होते हैं, मुस्बत सोच के साथ फ़र्द आगे जाता है, मुस्बत सोच के साथ ख़ानदान, मुस्बत सोच के साथ कौमें, अच्छी नीयतें, इसमें इस्लाम में इसके हवाले से बात की, अच्छी नीयतें, जब तुम अच्छी नीयत का फ़ैसला करते हो तो अल्लाह भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। अच्छी नीयत क्या है, किसी से हसद ना करो, अपने लिए बेहतर सोचो, अपने इससे पहले दूसरे के लिए बेहतर सोचो, दूसरे की कामयाबी पर माशाल्लाह कहो, माशाल्लाह कहो, दूसरे की कामयाबी पर खुश होगे तो अल्लाह तुम्हें उससे कई गुना कामयाबियाँ देगा। इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला अब इसके बाद कल आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें।